एक पिता अपने बेटे की कटी हुई टांग को लेकर के पुलिस स्टेशन असंध पहुंचा है, पूरा क्या मामला है वो पूछेंगे। ताऊ जी क्या पूरा मामला है, कैसे हादसा हुआ? उसमें जी पहला बैठे चेहर का निजेर का में हमने कोई पता नहीं चीज़ का जी, 10 आदमी नहीं उतारे गए, 10 नहीं उतारे जी, अरे एक देख नासी देख वाड़ी 20 आदमी ने वार कर जिस पर एकदम। क्या नाम आपके बेटे का? रामेर जी। कितनी उम्र ताऊ जी? उम्र है जी 45 साल। अच्छा हाँ, कब की बात है ये? 8 तारीख की जी। 8 तारीख की। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? कोई झगड़ा नहीं था जी, एक दिन बहू पीर पर धोख मान जावे थी, वो पीर या दारू उसकी बहू की बेइज्जती करी, लत्ते पैट दिए सारे, ये थोड़ा घना आया जावे जी, और उसने फिर आप थोड़ा बहुत कर लिया निशान जी, उसे कुछ नहीं मारा किसी ने। उसके कितने बच्चे हैं आपके बेटे के? उसके 4 बच्चे हैं, 2 छोरे हैं 2 छोरी हैं। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कुछ नहीं कह रही जी, कहीं भी कोई नहीं बनना जी, मारे बनना भी कोई नहीं। हाँ जी, हाँ जी, कोई सुनाई नहीं हुई। आज मिले किसी से? नहीं नहीं जी, दस दिन मायो, 5 दिन मायो, 6 दिन मायो, तुम हम जावा कड़ा थाने गया ना, 10 चक्कर कर लिए जी, मारी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी, ना कोई नहीं सुनवाई कर कर जी। हां जी, आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले अभी कल लगा हो रहा है। हां बस और मन अंदर आ जी, गाल दे के बोल रही, बिनो थप्पड़ लगेगा तारा नु का, सोधी आ जाएगी तन थोड़ी आई है, कोई बेगणी आ जाएगी उसकी लुगाई, उसका मनस कच्छा कच्छा मुका को फिर मारे छोरी मारी, मारी बाल के आने आने छोरी स्वेशन भी है, छोटी भी है, बड़ी भी है। बताओ कौन है काटने वाला? पोना है, पोना जी, पवन है जी, रामपाल है जी, रामपाल है जी, चारा कहे जी, क्या नाम है? पवन है जी, शुभम है जी, और सौरभ है जी। अच्छा हाँ जी, और रामपाल है जी। उस दिन आदमी कितने थे वहाँ जब ये? अच्छा हमने तो थे कौन, हमने तो बेरा ही नहीं जी, हम उन दे जब हम युकान बने इन देवा काम का तो जाए हुए मर अच्छा करे युकाम है सारे ना यू था मौका का वारदात उस पर जी। हाँ जी, बात क्या हुई थी पूरी? उस पर उतर नहीं, उस पर कोई नहीं मतलब उठा, ये तो छोरे ने बेरा कितने आदमी थे, ये तो दूर था, ये तो दूर था मतलब। अच्छा। वो छोरे ने बेरा जो उसका मारी है नी ऊंद आदमी उसने बेरा मतलब इसी से मारी है। हाँ जी, और बस मरे तो उठ गाड़ी कर ले नू ना लेकर बस और चल, और चल और चल। तो सुन जा मेरे यार, मेरे पे क्यों मैं दूर खड़ा सर? मौके पर मैं था बिल्कुल, उन्होंने जैसे हम जा रहे थे गांव, गांव की तरफ, सुनो सर, बाइक पे हम बैठे थे, काम पे हम सर आए राड़ा गांव से, राड़ा से हम काम पे चल के गांव में आए, और ये माता के पास में लोग बैठे थे 4 बंदे, हम जैसे गांव की तरफ बढ़े, इन्होंने आगे से बाइक को घेर लिया, बाइक हमने घेर छुटा के जैसे बचने की कोशिश की, उन्होंने बाइक घेर दी, और मेरा बाइक के अंदर मेरा पैर फंस गया, और मेरे चाचा जी भाग गए, उन्हें पीछे से आके लठर गुंडा से साथ हमला कर दिया, घेर दिया बिल्कुल ही, उन्हें काट दिया। अभी कहाँ है वो एडमिट? एडमिट अभी जींद के अंदर है सर, वो रूम में कल अपना सब लन गया, उसके बाद रोक तक गया, रोक फिलहाल के फिलहाल, हाँ फिलहाल जींद में है, फिलहाल जींद में। उससे पहले हम करनमारे पास के हॉस्पिटल करनाल कल अपना चावला, उसके बाद उन्होंने उसको ये बोल दिया, रेफर कर दिया कि मारे बस की बात नहीं है, आप रोहतक लेके जाओ, रोहतक वाले ने मना कर दिया, उन्होंने हम जींद लेके आए, और ज़्यादा बिल्कुल स्थिति जानकार होगी, ब्लड बिल्कुल ही कम हो गया, मतलब यानी कि बीपी लो बिल्कुल ही डेढ़े पोजिशन से चला गया। अपने बेटे की कटी हुई टांग को लेकर के लाचार है, क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और पुलिस प्रशासन से क्या मांग है? मांग जी मारे राय दे रही जी, कुछ नहीं कह रही ना, कोई गई है उठ लगे। हाँ जी, हमने शाप चाहिए जी। तेरी सुनवाई कौन करेगा? भगवान करेगा या था आप करोगे जी? भगवान करेगा जी। हाँ जी, हाँ जी, निशाप साहब इससे पहले भी आए थे थाने में? आए थे जी, कोई सुनाई नहीं भैया जी, नहीं उठाड़े थे बस तड़के ना, ये पर हाँ जी, हाँ चक्रवार की कह रहे जी, चक्रवार की कह रहे जी, चक्रवार का टाइम दिया जी। तो मजदूर हैं ये लोग, और अपने बेटे की कटी हुई टांग को लेकर के पुलिस स्टेशन असंध पहुंचे हैं, पुलिस की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, 8 तारीख का ये वाक्या है, और पुलिस के जो मुख्य है SHO साहब, उन्होंने शुक्रवार का टाइम दिया है, क्योंकि बीच में इलेक्शनों की वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई, अभी उन्होंने ये कहा है कि तुरंत प्रभाव से शुक्रवार तक जो कार्रवाई है वो ज़रूर की जाएगी। और ये महिलाएं हैं, इनको ये है कि जिस तरीके से उन्होंने
ये अंजाम दिया है कि दोबारा फिर किसी और व्यक्ति के साथ वो झगड़ा ना करें। क्या करते हैं ताऊ ये लोग? ये काम मजदूरी करे थे जी, क्या करें थे अपने चढ़ियाई का काम, चढ़ियाई का काम करे थे। वो तो नौकरी पे है जी, उनके छोर बहरले देश में जा रहे जी, बहरले देश में जा रहे, सरकारी नौकरी करे जी बैंक में सारे के सारे जी, उनका बढ़िया जी, कम से कम 2-3 लाख रुपया भी निकावा जी उनका कम से कम। अभी भी तंग कर रहे हैं उन लोग? हाँ, अभी तंग कर रहे हैं जी, जमा खंगर ये करके चल रहे हैं। बाहर जाऊं जब भी डर लगा, हम ना कदम हम ना डर लगा, ये भी नहीं कहेंगे यार मां ना कदेर ले रहा, मैं कदम हम नहीं ले। बच्चे मत मारे, बच्चे बैठे कर बच्चे को डर है जी, मारे बच्चे स्कूल में। हां डर है जी, मारे बच्चे खतरा जी, खतरा बच्चे को उठा के ले। 9 तारीख को चले, चोचड़ा चोचड़ा छोटा सा गांव है, सके बस गया सुना ले जाकर जी, कह दिया था हम किधर था मूल, अगर सही सही चले तो उठा के ले जाएंगे बच्चे ने। ट्राई कर का जी, फिर तारा बिनू पेटा भर आगा, कभी झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। और पुलिस ने तो एक बार भी नुनू जाकर देखा उनके कोला का गया, बैंक में कार्रवाई करे एक ना करी, एक बार एक भी जाकर देखा भी नहीं जाएगा। पुलिस स्टेशन असंद की ये तस्वीरें हैं और एसएचओ साहब से भी जो है पूछेंगे कि पूरा क्या मामला है और कार्रवाई जो है इतनी लेट क्यों हुई है। बने रहिए और जुड़े रहिए।26 की धारा लगा, सहमत नहीं है जी, जीवन का नहीं कुछ नहीं बनिया, नहीं तो मैं उड़ता जावा।